गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग गए थे ओशिया मॉल और उसमें से बहुत सारा सामान लेके आया है और ग्रोसरी बहुत सारी लेनी बाकी थी तो वही सब लेने गए थे। और मैंने बताया था लास्ट वाले व्लॉग में जब हम बिग बाज़ार गए थे तो बहुत कुछ बाकी रह गया था, तो वही सब लेके फिर हम लोग गए नर्सरी में। तो नर्सरी में हमको लेना था प्लांट्स और उसमें मेनली हमको चाहिए थी तुलसी जी। तो पहले वही मतलब सर्च कर रहे थे लेकिन फिर ये हुआ कि एक दो प्लांट्स और ले लेते हैं बिकॉज हमारे पास प्लांटर्स काफ़ी सारे ऐसे पड़े थे। मैंने आपको बताया था ना पिछले व्लॉग में कि मेरे पास तीन प्लांटर्स हैं, तो तीन में मैंने एलोवेरा को उसमें डाला हुआ है और उसके अलावा मेरे पास और बहुत सारे ऐसे प्लांटर्स हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने उसको इंडोर प्लांट्स के लिए यूज़ किया हुआ था लेकिन इंडोर प्लांट्स को पानी उस टाइम पर नहीं दिया था तो वो मतलब मुझे बाहर जाना पड़ा था तो इसी वजह से रह गया था पानी डालना और वो सब ख़राब हो गए थे। तो फिर हमने फिर से लिया सब कुछ और ये मनी प्लांट है जिसको हम फिर से उसमें डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा उस वो भी ख़राब हो गया था तो उसका ख़राब पार्ट निकाल दिया क्योंकि विंटर्स चल रही थी ना, तो विंटर्स की वजह से थोड़ा बहुत उसकी ज़्यादा केयर करनी रहती है और थोड़ा उसका वैसा हो ही जाता है कुछ भी कर लो, तो ऐसा सब है। और अभी हम अलग अलग ये वाला हम अलग नया प्लांट लेके आए हैं तो उसको तो हम लोगों ने वहाँ से थोड़ा बहुत करवा लिया था और फिर यहाँ पे आके हमारे पास बहुत सारी मिट्टी थी तो उसी में हमने डाल दिया उसको और खाद डाला और सब कुछ मतलब अच्छे से हम लोग ने खुद से ही किया। तो मैं भी करा रही थी और मनीष ने भी कर दिया। तो ये सब जो ये वेल है वो भी हम लेके आए हैं और ये एरिका प्लांट है जो हमने अंदर घर के अंदर पे प्लेस किया है तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है घर में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब एक ग्रीन वाइब्स जो मतलब ग्रीनरी की वाइब्स जो आती है ना वो मुझे क्रिएट करनी थी घर में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि मेरे घर में ग्रीनरी हो। और ये हमने अलग से उसको अच्छे से प्लांट किया है और उसको हैंग करने के लिए हम वो लेने वाले हैं लेकिन अभी मेरे पास नहीं है हैंग करने वाला कुछ, तो इसलिए मैंने तो ये कल प्लांटर्स में हम लोग ने लगाया ना तो उसको मैंने अभी बाहर प्लेस कर दिया है ताकि ये बहुत ही अच्छा दिखे दूर से भी, और इसको हैंग करना बाकी है तो हैंग कर देंगे। और ये वाला जो है इस पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स ऐसे आएंगे तो कलियाँ खिलेंगी ना, तो वहाँ बहुत सारी कलियाँ हैं तो उसमें से फ्लावर्स निकलेंगे अच्छे से, तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। तो इसको भी हमने बाहर प्लेस कर दिया है गैलरी में और इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना है, दो तीन दिन के बाद इसको पानी देना है। और तीनों को ऐसा ही मैंने लिया है कि उतना ज़्यादा मेंटेन ना करना पड़े और कुछ मतलब मुरझा ना जाए क्योंकि मुझे बहुत
मुझे फिर ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब फीलिंग आती है, क्योंकि कोई भी अगर फ्लावर या फिर कोई भी प्लांट मुरझा जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि मैं कोई भी प्लांट अगर लाऊँ तो उसकी अच्छे से केयर कर पाऊँ। तो इसी वजह से ना मैं अभी इस तरह से प्लांट्स लेके आई हूँ कि मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर पानी आप डालो ना तो सूख नहीं जाएगा, ऐसा है। तो मतलब रेगुलरली आपको उसको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 3 दिन में आप आराम से उसको पानी डाल सकते हो। तो इसी वजह से हमने फिर सोचा कि चलो तीनों को ले लेते हैं और उसको मेंटेन करना इजी भी रहेगा इसीलिए। तो ये सारे प्लांटर्स को मैं अलग से थीम बना के कोई एक पेंट लगा दूंगी तो बहुत ही अच्छे दिखेंगे। शायद ये सब तो ऐसे ही रहने दूंगी, बाकी जो ब्लैक वाला है उस। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।